नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पर, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पर लॉन्ग जंप का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बता दिया आपको। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा, पार्ट वन में मैंने ओवरऑल सारा जंपिंग के बारे में सब कुछ बताया और पार्ट टू में मैंने आपको बताया है कि आपका रनवे किस तरह सेट करें, जो आपका दौड़ते वक्त स्टेप बड़ा छोटा होता है, स्पीड कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसके लिए ठीक है। अब यह है तीसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेक ऑफ के बारे में, ठीक है। आप यहाँ बोर्ड आपका, यहाँ तक तो मैं सब कुछ बता दिया कि आप आँख बंद करके भी आओगे तो बोर्ड पे पैर पड़ेगा। अब यहाँ से जो दूसरा पार्ट है उसमें यह है कि यहाँ से आप किस तरह से ऊपर उठें जिसके कारण आपका डिस्टेंस आगे हो, ठीक है। ये वीडियो सब के लिए है, चाहे आप आर्मी, डिफेंस, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के। तो इसमें मैं आपको, देखिए जो टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ मतलब हवा उड़ना, ठीक है, जो हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है वही चीज़। तो यहाँ से टेक ऑफ किस तरह से करें जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आए। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग जंप में क्या है कि आपको बोर्ड नहीं देखना है, ठीक है। आप दौड़ते दौड़ते आएंगे, ऐसे ऐसे बोर्ड देखोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो एक बार देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है तीसरा पार्ट, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला चीज़ इसमें ध्यान रखना आपका कि आपको बोर्ड नहीं देखना है, ठीक है। वो किस तरह से होगा मैं आपको बता दिया हूँ। आप 10, 20 दिन, 25 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ ये चीज़ हो जाएगा कि आप ना फुल स्पीड में भी आओगे तो आपका पैर यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बता दिया आपको बोर्ड नहीं देखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका पावर लेग से जंप करना है, ठीक है। पावर लेग मतलब जिस पैर में ज़्यादा दम है उस पैर से यहाँ से जंप यहाँ रखना है, ठीक है। इससे जंप होगा, ठीक है। तो पावर लेग आपको समझ में आ गया, पावर लेग मतलब जिस पैर में ज़्यादा ताकत है। अब उसको आप किस तरह से कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपका पैर में पावर किस लेग में ज़्यादा पावर है। देखिए 99% लोगों का, ठीक है, दोनों पैर बराबर नहीं होता है। एक में ज़्यादा पावर रहता है, एक में कम रहता है। एक में ज़्यादा पावर हाथ में और एक हाथ में कम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं, यार जब मैं रेडी ना हो तो मुझे आके पीछे से धक्का देना और जो पैर आपका आगे निकलेगा वो आपका पावर लेगा। पहला तो ये चीज़। दूसरा चीज़, आप इस तरह से जंप करके देख सकते हो, ठीक है, इससे या इससे, दोनों पैर से, तो आपको पता चल लग जाएगा किससे जंप आपका ज़्यादा हो रहा है, तो वो लेग पावर है। तीसरा चीज़ आपका कि आप कहीं से कूदते हैं, ठीक है, कहीं से छलांग लगाते हैं, तो जो पैर आपका पहले रखाता है वो है पावर लेग, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ है, जो हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस हम लोग यहाँ से टो से जंप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा आके ये पूरा पैर रखाएगा फिर हम लोग ऐसे जंप करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे आते आते डायरेक्ट ऐसे जंप इस पे नहीं रखना है, आपका हमेशा ये रखाएगा, ये रखाएगा और उठेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा चीज़, आपको समझ में आ गया। चौथा चीज़, आपको हाइट लेना है, ठीक है, टेक ऑफ लेते समय। तो टेक ऑफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने आ जाइए, ठीक है। आप यहाँ से मान के चलिए दौड़ के आए, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिसके मदद से आप टेक ऑफ में हाइट ले सकेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आए और यहाँ से फुल पावर से ऐसे उठना है, ठीक है। जहाँ उठना आपको पूरा पावर से जाना है ऊपर, ठीक है, पूरा पावर से। पहला डिस्टेंस आपका तभी कवर होगा जब आपका थोड़ा हाइट होगा, ठीक है। अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आपका पैर यहीं पर पड़ जाएगा, हाइट रहेगा तभी जाके डिस्टेंस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा किस तरह से करना है टेक ऑफ, आपको ऊपर उठना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये कोन है, ठीक है, आप जंप करते हो तो कुछ मीटर के आसपास ये रख दो और यहाँ के ऊपर लकड़ी रख दो, ठीक है, या रस्सी रख दो। आप यहाँ से जंप करो और कोशिश करो कि ऊपर जाने का, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करो आप ऊपर जाने का। ये हो गया हमारा इस तरह से हाइट लेना है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस कौन सा एक्सरसाइज करें जिसके मदद से आपका ये टेक ऑफ में हाइट आए, ठीक है, मतलब कि ऊपर उठें। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एयर में पोजीशन किस तरह से रखना है, फिर लैंडिंग किस तरह से रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा। चलिए इसका एक्सरसाइज बताता हूँ जिसका हाइट नहीं हो पाता, जिनके लिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो ऊपर नहीं उठ पाते। दोस्तों, अगर आपको अपना लॉन्ग जंप अच्छा करना है तो आपको अपना टेक ऑफ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। टेक ऑफ में आपको हाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से, अगर आपका हाइट नहीं जाता है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दो कोन लगा लें, ठीक है, शुरू में आप 3 से 4 स्टेप या 5 स्टेप से आकर आप इस तरह से टेक ऑफ लेने का कोशिश करें और हाइट लेने का कोशिश करें, ठीक है। और जैसे आप इम्प्रूव हो जाते हैं तो 10 मीटर से ये चीज़ करें, फिर 20 मीटर से, और फिर थोड़ा हाइट भी बढ़ाएं, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा पहला। अब जो दूसरा हमारा एक्सरसाइज है वो इस तरह से, आपको इस तरह रनिंग करते करते अपने लेग को राइज करना है, टेक ऑफ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपना टेक ऑफ को अच्छा करने के लिए।
और इसी तरह सेम आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस पैर से टेक ऑफ करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और आप इस एक्सरसाइज को 30-30 मीटर का 8 से 10 बार कर सकते हैं, आपका टेक ऑफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यही सारा टिप्स है आपको टेक ऑफ अच्छा करने के लिए, ठीक है। आपका आपको जितना भी पावर है आपको यहाँ पर झोंक देना है, ठीक है, हाइट लेने के लिए। और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया टेक ऑफ के बारे में, दूसरा पार्ट में मैंने आपको बता दिया था रनवे के बारे में, ठीक है, और पहला पार्ट में ओवरऑल बता दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे एयर में पोजीशन किस तरह से रखना है, साइकिलिंग कैसे होगा, क्या करते हैं, किस कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे लैंडिंग, फिर बताएंगे क्या क्या वर्कआउट करना है, ठीक है। देखिए लॉन्ग जंप जो होता है दोस्तों, ये बस ऐसा नहीं कि तेज़ दौड़ कर आए और कूद जाए, ठीक है। ये जो मैं जितने भी टिप्स बता रहा हूँ सारे नेशनल और इंटरनेशनल टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका जंप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा कुछ दिन के अंदर। आप मात्र 1.5 से 2 महीना प्रैक्टिस करके देख ले, या मात्र आप 20 दिन प्रैक्टिस करके देख ले, आपको अपने जंप में आसमान और ज़मीन का अंतर आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे यही सारा टिप्स आपको फॉलो करना है टेक ऑफ के लिए, टेक ऑफ आपका अच्छा हो जाएगा। तो आपका देखिए दो चीज़ अच्छा करवा दिया मैंने, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो दो चीज़ आराम से अच्छा हो जाएगा। पहला तो रनवे सेटअप करवा दिया, दूसरा चीज़ आपका टेक ऑफ बता दिया किस तरह से लेना है, तीसरा चीज़ आपको पोजिशन बता दूंगा कुछ दिन के अंदर, और उसके बाद लैंडिंग फिर वर्कआउट, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह के टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।